तक जाने वाली टीम, हाँ बिल्कुल मुश्किल डेफिनेटली होगी, बट वहीं पर मिल्टा, तो पोटैटो हिल का एरिया खाली है, वहां पर स्काइलेट्स के प्लेयर्स जा सकते हैं, रेवेनेंट के प्लेयर्स, देखिए एक्सो के प्लेयर्स वो क्रॉसरोड्स के एरिया के अराउंड खेलते नजर आ सकते हैं, लेकिन गॉडलाइक के प्लेयर्स 7C के ऊपर चढ़ चुके हैं। इनफैक्ट 7C के प्लेयर्स भी गॉडलाइक के ऊपर चढ़ चुके थे, यहां पर 2+ को नॉक किया गया है गॉडलाइक के, और गॉडलाइक का आज का दिन हमें पता है कितना अप्स एंड डाउन्स में रहा है। बिल्कुल, यहां पर अभी तक तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन हमें जरूर से देखने को मिलता है, लेट्स सी कि क्या यहां से कमबैक पॉसिबल हो पाएगा नहीं। हालांकि 7C की बात करें, यहां पर काफी फाइट्स उन्होंने पहले से ली है, रेकनिंग ने के स्क्रिल्स ने वहां पर टीम एक्स पार्क के एक प्लेयर को जरूर से डाउन किया, लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला रिवाइवल, अगर यहां पर मिलते तो चीजें बदल जरूर सकती है, लेकिन एक ग्रेनेड वो जो सारंग की साइड से आएगा, क्या वो कनेक्शन बना सकता है? चलिए अभी के लिए कनेक्शन बनाएगा नहीं, जॉनथन रिवाइव हो चुके, लेकिन ये ग्रेनेड कनेक्ट होगा, जॉनथन यहां पर डाउन होते हुए, एंड टीम गॉड लाइक एक बार फिर से बैकफुट पर आ जाएंगे, नियो जो नॉकडाउट से फिनिश सिक्योर हो जाएगा, जी गॉड एक बार फिर से वो रिवाइवल देने के लिए चार जरूर से रहे, और जो ग्रेनेड की वर्षा है वो अभी तक जारी, हैदराबाद हाइड्रास के कैरी जो वैक्सी को डाउन करेंगे, ओआर ईस्पोर्ट्स यहां पर थोड़ा जूझते हुए जरूर से नजर आते, लेकिन अब 7C के जो खिलाड़ी है वो यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हुए गॉड लाइक काफी ज्यादा मुश्किल में, जी गॉड यहां पर मौजूद जरूर रहने वाले, जॉनसन एक बार फिर से डाउन, सी गॉड भी डाउन, और अब एकमात्र खिलाड़ी जो ईस्टर्न साइड पे मौजूद है मेरे ख्याल से वो क्लच गॉड जरूर से रह सकते हैं, वो यहां पर आकर के कुछ प्रेज दे रहे थे, बट फाइनली वो यहां से जाएंगे, टीम एक्स पार्क के मवी जो है वो डाउन होते हैं, पहली टीम जरूर सी के जाएंगे, टीएसएम के शैडो जो है वो डाउन होंगे, प्रिंस जो है वो ग्रेनेड से फिनिश ऑफ होंगे, ओआर के ईवो के, इसी के साथ 7C ईस्पोर्ट्स के एलिमिनेशन में देखने को मिलेगा, क्लच गॉड वो अभी तक सरवाइव करे, लेकिन अब उनको जाना पड़ेगा जोन के अंदर, टॉप 9 में अपनी टीम को लाने में कामयाबी जरूर से मिली है, ब्लेज ओपी मेरे ख्याल से अभी के लिए हील बैटल करने के लिए जा रहे हैं, टीएसजी वीकल लेकर के यहां से जोन के अंदर जाने की कोशिश, लेकिन वहां पर उनका स्वागत करने के लिए ऑलरेडी टीम्स मौजूद है, 5 फर्स्ट एड ब्लेज के पास, लेट्स सी कितना ज्यादा पोजीशनिंग यहां पर निकाल सकते हैं, जोन के ऑलमोस्ट सेंट्रल एरिया में समय देखने को मिल रहा है, लेकिन सेंसे मेरे ख्याल से वो स्पॉट कर सकते हैं खिलाड़ी को, एक खिलाड़ी को आप स्पॉट करके डाउन